भोजपुरी फिल्मों की क्वीन और अपने दम पर फिल्में हिट करवाने वाली, हमेशा नए हीरो के साथ पर्दे पर छा जाने वाली सीनियर प्रेमियों की फेवरेट रानी चटर्जी अपनी फिल्म बेमिसाल खिलाड़ी की शूटिंग इन दिनों मुंबई में बड़े जोरों शोरों से कर रही हैं। इस फिल्म की शूटिंग हो रही है जहां रजनीकांत हर वक्त रानी के साथ नजर आते हैं और जहां से आए दिन रानी का कोई ना कोई इंटरव्यू भी आता है और उस इंटरव्यू से हमेशा एक बार बात सामने निकल कर आती है, वो ये है कि अगले साल तक रानी चटर्जी ले लेंगी सात फेरे, बंध जाएंगी रिश्तों के बंधन में। लेकिन बीते दिन पहले रानी का एक ऐसा इंटरव्यू सामने आया है जिसमें रानी ने हीरोइनों और अपने सिंगर बनने पर एक बात बताई है। रानी ने कहा है कि मैं तो इन लोगों के गाने सुनती भी नहीं हूँ जिन्होंने गाना शुरू किया है और ना ही मेरा मकसद है सिंगर बनने का। फिल्म में जरूरत पड़ी तो बस मैंने मधुकर आनंद जी के कहने पर हाँ कर दिया था जो लोगों को पसंद भी आएगा, लेकिन इस गाने के बाद मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि मैं बार बार गाने गाऊं या सिंगिंग की दुनिया में अपनी पहचान बनाऊं। इतनी कला नहीं है मेरे पास, मुझे सिर्फ एक्टिंग पसंद है और मैं इसी फिल्म में रहना चाहती हूँ। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।